हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैगेस व्लॉग। तो दोस्तों, आज मैं जैसे सुबह सुबह उठा हूँ और जैसे सुबह उठ के रेडी होकर जैसे घर से बाहर निकला, तो हमारे घर के बाजू में बहुत सारे खेती है और वहाँ पे मुझे एक चीज़ देखने मिली कि जैसे वहाँ पे एक खेती है तो वहाँ पे कुछ लोग गन्ना लगा रहे हैं। तो आज हम लोग उसके ऊपर ब्लॉग बनाएंगे। तो आज हम लोग वहाँ पे देखेंगे कि इतने सारी ज़मीन पर गन्ना लगाने के बाद उनको साल का कितना पैसा मिलता है। तो आज थोड़ी बहुत जानकारी हम लोग उनकी तरफ से ले लेते हैं। तो चलो आइए। तो दोस्तों, यहाँ पे अभी फ़िलहाल बहुत सारी तेज़ हवा चल रही है और अभी तो बारिश का मौसम चालू होने वाला है। तो यहाँ पे अपने बहुत सारे शेतकरी बंधु भाई लोग हैं, तो अपने खेतों में वो लोग अभी से काम करना चालू कर देते हैं। हालांकि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोगों ने भी हमारे घर के सामने जो थोड़ा सा हिस्सा है तो उस पर भी हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। तो हम लोग भी इसके ऊपर 4-5 दिन के बाद कुछ सब्जियाँ लगाएंगे, तो उसका भी व्लॉग में बना के डालूंगा ये। तो चलो चलते हैं उनके पास। अच्छा, यहाँ पे पानी भी छोड़ दिया। दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने गन्ना लगाने के तुरंत बाद ही यहाँ पे पानी छोड़ दिया, ये देखो। आता विशेष नाही काय केलं, पाटक लिया सर सगळा चढ करून घेतला। आता एंड पर्यंत जाणार काय? हा, हे पूर्ण एंड पर्यंत जाणार? हा, उद्या टाकणार टीव्ही वरती मी व्लॉग। वाक्य नाही ना तिथे पुढे सो गाइज, अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पे जिनकी एक खेती है, तो ये भी हमारे मतलब भावकी में लगते, जैसे कि मराठी में बोलते हैं आमची भावकी, तो ये मेरे नाना लगते हैं। तो ये अभी इनकी खेती है, तो वे खेतों में ये लोग गन्ना लगा रहे हैं। तो नाना, इतने कितनी एकड़ खेती है? एक एकड़ है। एक एकड़ खेती, मतलब एक एकड़ खेती मतलब 40,000 स्क्वायर फीट। तो 40,000 स्क्वायर फीट में अभी ये गन्ने की बुआई कर रहे लोग, गन्ने लगा रहे हैं यहाँ पे। तो एक गन्ने लगाने के बाद कितने महीने में कटता है ये? 16 महीने। 16 महीने, जैसे ये नाना बता रहे कि 16 महीने में ये कटता है। और इसमें प्रॉफिट कितना होता है फिर? 1-1.5 लाख। अच्छा, 1-1.5 लाख, मतलब 1-1.5 लाख आपको सिर्फ प्रॉफिट बचता है 16 महीने। 16 महीनों में एक एकड़ में। अच्छा है, ये देखो मेरे पीछे आप देख सकते हो, लोग एक गन्ना खरीद के लेके आए हुए और अभी ये गन्ना यहाँ पे कटिंग करके लोग लगाने वाले हैं। सो गाइज, अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो कितने आसानी से ये गन्ने काट रहे हैं लगाने के लिए। देखो, ऐसा लग रहा है कि जैसे मशीन चल रही है। सो गाइज, मेरे जो पीछे है ना, अभी गन्ना देखो कैसे काट रहे हैं। चला जमा का
आमचे भाऊ बंधूच आहेत सगळे, आमच्या भाऊकी मध्ये तो बाचा तो गाइस यहाँ पे एक्चुअली मेहनत लगती है, ये देखो दोस्तों, इसको बोलते दार, दार मतलब दरवाज़ा। अभी ये जैसे यहाँ पे एक छोड़ा, यहाँ पे एक दरवाज़ा, तो ये एंड तक पानी पीते हुए जाता है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो पूरा एंड तक गया हुआ है, और यहाँ पे अगर बीच बीच में कभी कभी टूट भी जाता है तो ये ऐसे काम करके उसको वापस ठीक करना पड़ता है। सो गाइज, ये गन्ने के खेतों में काम करना या फिर कोई भी खेतों में काम करना एक्चुअली बहुत मेहनत का काम होता है। एक्चुअली वी मस्ट सैल्यूट ऑल आवर फार्मर्स ब्रदर्स हु आर वर्किंग इन फार्म्स। एक्चुअली गाइज यहाँ पे बहुत मेहनत होती है, मैंने भी देखा है, बट अच्छा लगा ये देख के कि यहाँ पे खेतों में लोग साथ में काम करते हैं, कभी कभी मतलब पे करके हायर भी करते हैं। सो गाइस, कभी कभी क्या होता है, अपने जो किसान ब्रदर्स रहते हैं वो जैसे आजू बाजू में खेती रहेगी, जैसे कि यहाँ पे एक अपने किसान बंधु की खेती है और यहाँ पे अलग किसान बंधु की खेती है, तो ये लोग क्या करते हैं कि चलो ठीक है आज मेरे खेतों में काम करते मिल के, फिर कल तुम्हारे खेतों में काम करेंगे, तो हिसाब से ये लोग यहाँ पे काम करते हैं। और दोपहर में यहाँ पे काम होने के बाद कोई भी ऐसा पेड़ का छाव देखते और वहाँ पे ही खाना खाने बैठते, और वो जो खाने का मज़ा आता है और एकदम ऑसम लेवल का मज़ा है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया है कि कैसे काम करने के बाद सब साथ में बैठ के यहाँ पे खाना खा रहे हैं, और ज़्यादातर ये लोग खाना खाते वो तीखा खाना खाते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में एक फेमस डिश है ठेचा, खरड़ा जिसको बोलते हैं, वो सिर्फ मिर्ची का होता है और ऑसम लगता है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो हर एक के टिफ़िन में वो खड़ा आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो गाइज, आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।